हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू ऑल कि आप सब पास हो गए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और इलेवेंथ का, नाइन्थ का, सिक्स का न्यू सेशन भी जो है बिगिन हो रहा है और आप जो है स्कूल्स में एडमिशन के लिए क्वेरी कर रहे हैं। हमारे पास भी क्वेरी आ रही हैं कि सर एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। सो इन माई हैंड इज़ दिस एडमिशन फॉर्म विच यू कैन सी हियर। आपको शायद ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीन पर इसको लगाऊंगा और आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपने कैसे इसे भरना है और कैसे जो है आपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि सेशन में जो भी होगा वो आपको लेसन्स भी हैं हमारे और भी इंस्ट्रक्शन हैं भिवानी बोर्ड की तरफ से आती हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से आती हैं, आपको समय पर मिलती रहा करेंगी जैसा गत वर्ष भी हम आपको देते आए। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले आप इस एडमिशन फॉर्म को कहाँ से ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से mynewclassroom.in पर जाइए, ये आप देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर ये एडमिशन फॉर्म रखा है, 2 पेजेस का है ये। इसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए और नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करनी है, सर्टिफिकेट अटैच करने हैं वो भी लिखे हुए हैं। वो डिपेंड करता है स्कूल जो आपसे डिमांड करता है उनमें से, वो आपने लेकर जाना है। पहले आपने स्कूल में जाना है, क्वेरी करनी है, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फिर भी हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ हम अब आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपने ये फिल करना है। तो पेज 1 आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेक्षर A1 से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्कूल नेम, स्कूल कोड, यूडाइस कोड है ना, स्टेटस गवर्नमेंट का है, ये आपने, मैं कहूँगा कि छोड़ ही देना है, ये स्कूल भर लेगा इसको। आपने यहाँ पर जो साइड में दिया है, आपने एक पासपोर्ट साइज़ अपनी पेस्ट करनी है, 35 mm by 44 mm की, जैसा कि JEE के मेन एग्ज़ाम में भी होता है फोटोग्राफ के बारे में। बैकग्राउंड जो है आपकी वाइट होगी, कलर्ड फोटोग्राफ होगी और आपने स्टेपल नहीं करना है इसको, फेविकॉल से ठीक से पेस्ट करना है और जो बॉर्डर है उसके बाहर आपने नहीं जाना है। फॉर्म भरते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल लेटर्स का ही जो है यूज़ करना है, प्रयोग करते हुए भरना है और टिक कर देना है, और जहाँ भी स्ट्राइक आउट नहीं जो बात लागू होती है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना है आपने, और जो एस्टेरिक्स दिया है उसे आपने ज़रूर फिल करना है। ये तो थी स्टार्ट में, ऑफिस यूज़ ही है ज़्यादातर इसमें और इंस्ट्रक्शन दी थी। अब आप थोड़ा सा नीचे चलिए फॉर्म में, जहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नंबर 1 कॉलम में आप देख पा रहे हैं आपने क्लास ऑफ एडमिशन लिखना है। इट कैन बी 6th, अगर आप 6th में ले रहे हैं, 9th, 11th या जो भी आप क्लास में जा रहे हैं। स्ट्रीम लिखना है, अगर आप 11वीं 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम में ले रहे हैं, कॉमर्स में ले रहे हैं, साइंस में ले रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट भी हम आपको दे रहे हैं। अगर आप आर्ट स्टडी कर रहे हैं तो इनमें से आपको ये 3 विषय चुनने हैं, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो इनमें से 4 ऑप्शनल हैं, ये इंग्लिश कंपलसरी है। साइंस में आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शनल है, ठीक है, और ये इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। तो इनमें से ये 4-4 आपने कॉमर्स और साइंस में चुनने हैं और आर्ट्स में 3 चुनने हैं, ठीक है। तो ये अभी तो आप स्ट्रीम लिखिए, वो आगे आएगा। नेम एज ऑन आधार लिखना है आपने। देखिए आप यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है, SLC है, DMC है, उस पर ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप वे लिखिए जो आपके आधार कार्ड में जब आप एडमिशन के समय जमा करवा रहे हैं। आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, स्कूल आपको कहेगा कि ये चेंज करवा कर लाइए, दोनों एक बात बोलनी चाहिए, ठीक है। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, है ना, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आपने। एस्टेरिस लगा है जैसा आपका DMC में है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में है, आधार से ये भी वेरी ना करे, ध्यान रखना है आपने इन बातों का। जेंडर लिखिए, मेल है ना, बॉय और फीमेल हैं तो आप फीमेल लिखिए, गर्ल हैं तो मेल फीमेल लिखना है आपने। आप टिक भी कर सकते हैं, आगे लिख भी सकते हैं। आधार नंबर डालना है आपने, तो आधार नंबर, ये आप आधार देख रहे हैं, आजकल सभी का आधार बना ही होता है, तो इस तरह से आधार नंबर स्पष्ट शब्दों में साफ साफ लिखना है। कई बार क्या होता है, आधार नहीं होता है लेकिन आप एनरोल हो चुके हैं तो EID आपको जारी किया जाता है, तो उस दशा में नेक्स्ट कॉलम जो है आप देख पा रहे हैं EID लिखना है, वरना हम यही मान के चलते हैं कि आजकल आधार सभी का है। तो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, कंट्री इंडिया में आपका बर्थ हुआ है। स्टेट लिखनी है, हरियाणा में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में,
पंजाब में, हिमाचल में, जहाँ भी है डिस्ट्रिक्ट लिख देना है उस राज्य का, ठीक है। हरियाणा का है तो आप हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, तहसील लिखिए अपनी और विलेज सिटी लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर एस्टेरिक्स नहीं लगा है, आप देख रहे हैं स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर ज़रूर डालिए, आप आपका अपना मोबाइल है तो वो डालिए, या यहाँ पर पिताजी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। नेशनलिटी इंडियन कीजिए, डोमोसाइल ऑफ हरियाणा, तो आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं जिसे डोमोसाइल ऑफ हरियाणा कहते हैं। सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आपने लेना है तो वन शुड बी डोमोसाइल ऑफ हरियाणा। तो हाँ, अगर आप हैं 15 साल से अधिक समय से हरियाणा में रह रहे हैं, आपने डोमोसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाया है तो हाँ कीजिए आप। यहाँ पेरेंट्स इंफॉर्मेशन में देखिए, फादर का नाम लिखना है जैसा आधार पर दिया है, ठीक है। फादर का आधार नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए फादर का। फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है आगे, आप एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग कम्युनिटी से हैं तो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, श्रमिक हैं आपके पिताजी, मजदूर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम है उनका छोटा सा ही, चाहे कोई वो शॉप करते हैं या बाज़ार में कोई रेहड़ी लगाते हैं या जो भी, आपके पिताजी का सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप किसी के मातहत नहीं हैं, है ना, काम नहीं करते हैं बल्कि अपना काम है हमारा, चाहे छोटा मोटा बड़ा जैसा भी काम है। प्राइवेट जॉब करते हैं आप क्या, आपके पिताजी, या हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में इंप्लॉई हैं तो वो लिखिए, टिक कर दीजिए आप यहां पर। अदर स्टेट है और जो नहीं हो रहा है तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, इसको काट भी सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई वही छोड़ दीजिए जो आपके बात लागू होती है। और ऑफिस एड्रेस लिख देना है यहां पर, ठीक है। तो कोई शॉप है तो कहां है नाम लिख दो, एग्रीकल्चर है तो गांव का नाम लिख दो, प्राइवेट जॉब है तो कहाँ है ऑफिस एड्रेस लिख दो, हरियाणा गवर्नमेंट के हैं तो लिख दो, तो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन, कितना पढ़े हैं आपके पिताजी की बात हो रही है यहाँ पर, इलिटरेट हैं, अनपढ़ भी हैं क्या, स्कूलिंग है कि 1 से 8 तक अगर पढ़े हैं, 10 पास हैं तो ये आ जाएगा, 10+2 पास हैं, 12वीं पास हैं तो ये आ जाएगा, सर्टिफिकेट होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, बैचलर डिग्री है, बीए, बीकॉम, बीएससी किया है, एमए है या पीएचडी किया है, तो ये इसमें आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ऑफिस एड्रेस, उसके बाद पैन नंबर के बारे में जानकारी देनी है, पिताजी का पैन है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और फिर बताना है यस नो कि क्या आपके पिताजी इनकम टैक्स पेई हैं। एक तो रिटर्न भरते हैं सिर्फ, कि पेई तो नहीं है, इनकम टैक्स तो नहीं देते लेकिन रिटर्न भरते हैं, तो यहाँ पर वो नो आ जाएगा पेई में। अगर टैक्स भरते हैं तो ही यहाँ पर यस कीजिएगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मदर्स नेम देखिए एज ऑन आधार कार्ड के मुताबिक हैं, बीएमसी से मैच होना चाहिए ना इसको भी, वो बाद में स्कूल देख लेगा या आपको करेक्शन के लिए बोलेगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर एज ऑन आधार लिखिए, मदर का आधार नंबर डाल दीजिए, कोई त्रुटि ना हो, 12 डिजिट का आधार मिला होता है, मम्मी पापा और स्टूडेंट को। मोबाइल नंबर डाल दीजिए माताजी का, जहां भी आपका पूछा है आप डालिए अपना, पिताजी का पूछा था तो पिताजी का डालिए, मदर का पूछा, क्योंकि स्कूल को सभी का चाहिए होता है, तीनों का, ठीक है। और मदर ऑक्यूपेशन में देख सकते हैं आप, जैसे फादर का पूछा था ऐसे ही मदर का, शी कैन बी हाउसवाइफ, घरेलू हैं अगर, एग्रीकल्चर हैं, ठीक है ना, खेतीबाड़ी करती हैं, लेबरर हैं, है ना, श्रमिक हैं वो, मेहनती हैं, मजदूरी करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम है, कोई शॉप है, कोई भी घर में अपना काम है, पार्लर है, वट एवर, तो वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है एक तरह से, ठीक है। और प्राइवेट जॉब करती हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, डिफेंस में है, तो उसके मुताबिक आप ये भरते चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, मदर के बाद, ऑक्यूपेशन के बाद ऑफिस एड्रेस आ जाएगा उनका यहाँ पर, जैसे पिताजी का भरा था। हाईएस्ट एजुकेशन आ जाएगी बिल्कुल जैसे पिताजी का हमने भरा था, उसी तरह से आप पूछिए। अगर 8वीं तक जो है स्कूलिंग में आ जाएगा, 9वीं भी स्कूलिंग में डाल दीजिए, 10वीं पास का 10वीं पास कीजिए, 10वीं में अगर रह गए हैं तो स्कूलिंग में डाल दीजिए, अनपढ़ हैं तो अनपढ़ में, है ना, तो सर्टिफिकेट होल्डर जो भी है। मदर का पैन कार्ड है तो वो लिख दीजिए यहाँ पर। इनकम टैक्स पे ही हैं क्या मदर, कई बार पिताजी नहीं होते, मदर होती हैं, पे ही हो सकता है ऐसा। अगर रिटर्न भरती हैं, पे ही नहीं है, पे नहीं करती हैं, ठीक है, तो रहने देना। और वेदर पेरेंट्स एंगेज्ड इन अनक्लीन ऑक्यूपेशन, अनक्लीन ऑक्यूपेशन में तो आजकल नहीं होता है, यू नो, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ करती थी पहले, है ना, जमादार होते थे, जो मैला ढोने की प्रथा थी, वो तो 1997 के बाद ख़त्म ही हो गई है लगभग। फिर भी गवर्नमेंट ये डाटा लेना चाहती है ताकि स्कीम के माध्यम से इसको डिस्करेज किया जाए और इंसेंटिव जो है ऐसे परिवार के बच्चों को दिया जाए, तो आई थिंक यहाँ पर नो ही है,
है हरियाणा के, कोई भी घर इस इन कामों में व्यस्त नहीं है आजकल। तो पेरेंट्स एनुअल इनकम लिख देंगे आप यहाँ पर, जो भी आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम है दोनों की मिला के लिख दो। स्टूडेंट बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का आपने यहाँ डालना है, ठीक है। और परिवार पहचान पत्र का ब्यौरा भी आपने सबसे ऊपर दे देना है, अपने परिवार पहचान पत्र का नंबर डाल देना जहाँ पर ऑफिस यूज़ का था, फोटो के साथ ऊपर आपने लिख देना है। परिवार पहचान पत्र से ही आजकल जाति के बारे में भी, डोमिसाइल के बारे में भी और बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में भी जानकारी निकाल ली जाती है। फिर भी स्कूल जो है अलग से भी पूछ सकता है, तो आप वहाँ दे सकते हैं। अगर आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है तो बीपीएल सर्टिफिकेट का यहाँ नंबर डालिए, इश्यूइंग अथॉरिटी डालिए, क्योंकि ये तहसीलदार द्वारा जारी होता है, नीचे स्टाम्प लगी होती है और इश्यू डेट भी दी होती है। तो ये तीन बातें उसमें होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद नंबर तीन में सिबलिंग्स के बारे में, सिबलिंग्स होते हैं कि आपके छोटे बड़े बहन भाई अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो सिबलिंग का फुल नेम, सिबलिंग यानी बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ी बहन, छोटी बहन, उनका फुल नेम लिखिए। उसके बाद उनकी क्लास लिखिए जो ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि नहीं पढ़ रहे हैं, आप ही बड़े हैं, आप ही जा रहे हैं, बाकी बच्चे किसी और स्कूल में हैं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। इस स्कूल के बच्चों का है, दिस स्कूल, ठीक है। उसके बाद उनका एसआरएन नंबर आपको मालूम होना चाहिए उनका, जब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर ये आप देख पा रहे हैं, एसआरएन भी लिखा होता है। उसके बाद रिलेशन लिखेंगे, आपका ब्रदर है या सिस्टर है जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रही हैं। उसके बाद दूसरा बहन भाई है तो उसका भी इसी प्रकार से ब्यौरा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, अगर आपसे पत्र व्यवहार किया जाए तो स्कूल कहाँ आपको पत्र लिखे, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल पूछा गया है किलोमीटर्स में, ठीक है। अगर आप एक किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं तो जीरो आ जाएगा, एक से दो के बीच हैं तो एक आ जाएगा, क्योंकि दो पूरा नहीं है, ठीक है। तो फुल किलोमीटर में आपने यहाँ डालना है, ताकि कई योजनाओं का लाभ जो है किलोमीटर के आधार पर भी मिलता है। अगर जैसे नौवीं और ग्यारहवीं को साइकिल मिला करती है तो वो दो किलोमीटर की दूरी जो है इसी फॉर्म से उठाई जाती है फिर, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जब आपसे पूछा जा रहा था, दूरी आपसे पूछ ली है, तो वो गांव कौन सा है, टाउन कौन सा है, तहसील ब्लॉक कौन सा है, और एरिया ऑफ लिविंग वो रूरल है। अगर ग्राम में रहते हैं आप, गांव में रहते हैं तो रूरल कीजिए, शहर में रहते हैं आपका इलाका अगर शहर में है तो अर्बन कीजिए, ठीक है। ये भी योजनाओं का लाभ होता है अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और पिन कोड भी आपको पता होना चाहिए आपके इलाके का, फिर भी हम कुछ इलाकों का लेकर आए हैं आपके लिए। इसके अलावा आप पोस्टल डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर अपना पिन या फिर अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए। फ़ोन नंबर यहाँ भी डाल दीजिए, पीछे भी आपने डाला, यहाँ पर पिताजी का फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस सेम है क्या जो आपने कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दिया अभी अभी? अगर आपको लगता है कि यही हमारा परमानेंट एड्रेस है तो यस कर दीजिए और कोई डाटा आपको नहीं भरना है। लेकिन अगर आप डिफर करते हैं कि नहीं जी हम तो यहाँ टेम्परेरी रह रहे हैं, ये हमारा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस था, परमानेंट एड्रेस हमारा, हम तो वहाँ से आए हुए हैं, हमारे तो पुराना घर उधर ही है, यहाँ तो फॉर द टाइम बींग है, तो परमानेंट एड्रेस आपका वो माना जाएगा, तो यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस वाला ही हमारा परमानेंट है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मान लिया जाएगा कि आपका कॉरेस्पोंडेंस वाला ही परमानेंट है। उसके बाद रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन आ जाइए। रिलीजन पूछा है आपका, हिंदू हैं, ठीक है, बाकियों को काट दीजिए, मुस्लिम हैं तो हिंदू और पीछे के सारे काट दीजिए, ठीक है, इस तरह से स्ट्राइक आउट कर देना है आपने। इसको कैटेगरी लिखनी है आपने, जनरल कैटेगरी से हैं, एससी हैं, ठीक है, एसबीसी है, एक नई कैटेगरी बनी है ये सोशली बैकवर्ड क्लास, बीसीए बीसीबी हैं, एसटी हैं, एसटी तो हरियाणा में नील ही हैं, ठीक है। कास्ट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ कास्ट भी मेंशन करनी होती है। जैसे आप अगर एससी कहते हैं तो एससी में आपकी कास्ट क्या है, आप वाल्मीकि हैं या जो भी जातियाँ होती हैं, लिस्ट है पूरी, उसमें से आपको ये लिखना होता है कि आप किस जाति से संबंधित हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं और आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है तभी आप जो है रिजर्व कैटेगरी का लाभ स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दिया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी भी और इश्यूइंग डेट भी देना होगा। उसके बाद एक और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी अलग अलग योजनाएँ होती हैं, तो इस एडमिशन फॉर्म के माध्यम से ही सरकार ये जानने का प्रयास करती है कि किस तरह की समस्या आपको है, आप दिव्यांग हैं, आपका परसेंटेज कितना है, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। यदि बना है तो उसके अंदर परसेंटेज भी मेंशन होता है, और क्या आपको है जो दिव्यांग हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंडनेस है आपको, लो विज़न है, हीरिंग है, स्पीच है, लोकोमोटिव है, इसी तरह मेंटली चैलेंज्ड हैं आप, यस नो करना है, परसेंटेज लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन है आपको, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पल्सी है या ऑटिज्म है आपको, तो इस तरह से ये दिव्यांग सूचना इकट्ठी
की जा रही है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, आजकल हरियाणा के स्कूलों में इंग्लिश और हिंदी और कुछ स्कूलों को 138 स्कूलों को जो है CBSE में भी दिया गया है। इसके अलावा आगे भी योजना है, तो इस सत्र में भी ज़्यादातर जो हैं नए स्कूल जो हैं इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी भरिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश भरिए, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दो अलग तरह के हैं, हरियाणा में सिस्टम है ये। तो जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता हूँ, पोल साइंस हिस्ट्री जो भी विषय आप रखना चाहते हैं, या साइंस या कॉमर्स, तो आप इंग्लिश कर दीजिए, या ना आप हिंदी का भी चुनाव कर सकते हैं। स्कूल से पूछना कि आपके पास कौन कौन से माध्यम अवेलेबल हैं, तो जो आप पढ़ना चाहें वो यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट देखिए आप, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में कंपलसरी सब्जेक्ट की जो है अलग अलग सूचियाँ हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शनल की भी दे रहे हैं आप देख पा रहे हैं। आर्ट्स में जो है हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अलावा तीन आपने चुनने हैं इनमें से, उसके बाद कॉमर्स में इंग्लिश कंपलसरी है, उसके बाद चार इनमें से चुनने हैं, और साइंस में इंग्लिश कंपलसरी है और बाकी इनमें से चार कोई आप चुन सकते हैं। NSQF का IT है, आप ले सकते हैं, है ना। स्किल बेस्ड सब कुछ आजकल सिस्टम हो रहा है, तो उसकी पूरी वैल्यू है। हमारा सुझाव है यदि आप 11वीं में जा रहे हैं, 9वीं में जा रहे हैं, तो एक NSQF का भी आप ज़रूर रखें। उसके बाद पास्ट स्कूल इंफॉर्मेशन आपने देनी है। देखिए आप SRN आपको जारी हुआ होता है, ऑलरेडी जारी हुआ, तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। और कहाँ से मिलेगा आपको, आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकालिए। देखिए आप, ये हम पिक लेकर आए हैं आपके लिए, तो ये आप रेड स्कार देख पा रहे हैं, ये SRN है, यहाँ पर आपने लिख देना है। प्रीवियस स्कूल का नाम लिख देना है, ताकि स्कूल को जो संपर्क बार बार करना पड़ता है, स्कूल कोड लिख दीजिए। ये भी आपको SLC जो आप लेकर आए हैं उस पर सब मेंशन होता है। लास्ट क्लास आपने जो स्कूल में अटेंड की थी, और लिविंग की जो थी जब छोड़ा वो स्कूल, और पिछली क्लास के मार्क्स जो आपको कितने मिले थे, ये लिखना है। उसके बाद आप बैंक अकाउंट की डिटेल आप देंगे, तो अकाउंट होल्डर का नाम, ज्वाइंट है क्या खाता, तो आप कई बार मदर के साथ खोल लेते हैं, तो रिलेशन यहाँ देना है आपने। अगर आपका खाता मदर के साथ है, या पापा के साथ है, या ब्रदर के साथ है, सिस्टर के साथ है, आप दादा दादी के साथ रहते हैं उनके साथ है, या चाचा चाची ताया ताई के साथ रहते हैं, तो जिसके साथ भी आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है, यहाँ पर आ जाएगा रिलेशन उसका। और अकाउंट नंबर आप देख पा रहे हैं, ये मैं पासबुक भी आपके लिए लगा रहा हूँ, यहाँ से आपने अकाउंट नंबर उठाना है। IFSC कोड ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये स्कार कर रहा हूँ मैं, यहाँ से उठाना है आपने, तो आपने देख लेना है। अपनी में ये वाला नहीं लिख देना है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ये SBI की है, आपका किसी और बैंक में भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि IFSC कोड क्या होता है, कहाँ लिखा होता है। तो इस तरह की एक संख्या है ना, अंक और जो है लेटर्स का मिश्रण, ये हर बैंक को दिया गया है, तो आपने अपने बैंक का लिखना है, इसको मत लिख देना। बैंक नेम लिखिए, बैंक नेम एंड कोड लिख दीजिए, ये सब मेंशन होता है आपके बैंक कॉपी की पहले पेज पर, जो आपने अटैचमेंट भी लगानी है। नंबर आगे देखिए, 9 में अदर इंफॉर्मेशन पूछी है, स्टूडेंट्स की हॉबीज़ क्या हैं, जो आप लेयर टाइम में खाली समय में करना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद बचे हुए समय में, तो ये पूरी लिस्ट आपको दी जा रही है। आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, है ना, आप कुछ सीख रहे हैं, आप किसी तरह का, ये लिस्ट आपको दी जा रही है। आप जो भी करते हैं इसमें से आप उसमें से ले सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग करते हैं आप, वट एवर, क्रोशिया करते हैं आप, तो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स आया हुआ है यहाँ पर। आपकी कोई पास्ट अचीवमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर लगा देंगे जो हम आपको दे रहे हैं। आधार कार्ड जो है आप तीनों का यहाँ मेंशन कर दीजिए कि माता पिता और बच्चे का है। SLC, DMC और एडमिट कार्ड यदि 11वीं में आप ले रहे हैं तो एडमिट कार्ड दे दीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया होगा आपका, लेकिन डाटा उस पर काफ़ी मिल जाता है स्कूल को। उसके बाद आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो लेके आना ही है, DMC आ जाएगी तो वो भी जमा करा देनी है। परिवार पहचान पत्र आपने साथ लगा देना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपको कोई लाभ चाहिए, तो आजकल ये स्कूल पर निर्भर करता है, परिवार पहचान पत्र भी एक ऑथेंटिक सोर्स है। अब जरूरी नहीं है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भागें, फिर भी आप अपने स्कूल से जरूर संपर्क करें एक बार। बैंक अकाउंट की कॉपी आपने फोटोकॉपी साथ लगा देनी है। स्टूडेंट की जो है फोटो लगानी है जैसा आपको बताया गया है, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, स्टैपल नहीं करना है। इनकम सर्टिफिकेट है, आप सरकारी स्कूलों में भी आजकल रिजर्वेशन है, तो 180 के ऊपर के हैं, 180 के नीचे के हैं, तो अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट है, वो भी अगर आपसे स्कूल मांगता है तो देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जरूर आपने लगाना है। 10वीं के बाद 11वीं में आ रहे हैं, अदर स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, तो माइग्रेशन भी आपको देखना होगा।
होगा क्योंकि CBSE में जा रहे हो या अदर बोर्ड से हरियाणा में आ रहे हो। फीस है, जो भी आपकी एडमिशन फीस है ये पता कर लीजिएगा। मंथली फीस स्कूल कैसे लेता है, क्वार्टरली लेता है या सिक्स मंथ की एक ही बार ले रहे हैं और सिक्स मंथ की फिर अक्टूबर में लेंगे, ये सारा पूछ कर आपने इस तरह से। और अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, सारा वर्णन हमने वहाँ भी किया हुआ है। और हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या समस्या आपको एडमिशन फॉर्म के बारे में आ रही है, और भी कोई सूचना आप स्कूल एजुकेशन हरियाणा के बारे में चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को 9466707359 पर। भेज दीजिए अपना नाम, क्लास रोल नंबर और स्कूल का नाम, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक, 8वीं से 12वीं कक्षा के सभी इंग्लिश के लेसन, हिंदी के लेसन, सब कुछ अवेलेबल है। मैथमेटिक्स, साइंस, हमारा प्रयास है कि हम आपको फ्री में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, गाइडेंस प्रोवाइड करवाएं। एडमिशन फॉर्म के बारे में भी आपको बता रहे हैं, अभी बुक्स के बारे में भी बच्चे पूछ रहे हैं, तो बुक्स के बारे में अगला वीडियो आ रहा है आपके लिए, कौन कौन सी बुक्स आपने, यदि आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हरियाणा के स्कूलों में हैं तो कौन सी लग रही हैं, मैं लिस्ट लेकर आने वाला हूं। इस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, सेशन के दौरान हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे और ज़रूरी डिसीजन जो भी हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट लेता है उसके बारे में भी समय पर आपको सूचना दी जाती रहेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल एंजॉय दिस सेशन ऑल्सो, थैंक यू।